जमुई के सोनू में पिछले माह प्रखंड के डुमरी गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में प्रखंड, जिला एवं प्रदेश स्तर के नेताओं की टीम पहुंचती रही और कार्रवाई का भरोसा दिलाती रही। इसी क्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी गाँव पहुँचे और पीड़िता के परिजनों से बातचीत की, घटना पर दुख जताया और आश्वस्त किया कि इस मामले में नीतीश की सरकार कार्रवाई करेगी और न्याय जरूर दिलाएगी। बिहार की छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर एबीपी नगर इकाई तारापुर के कार्यकर्ताओं ने आज आरएसएस कॉलेज के प्रवेश द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। मुंगेर के तारापुर से यह खबर मिली है। यहां छात्रों ने हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की और विरोध का प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस दौरान बताया कि जब से देश में प्रथम लॉकडाउन लागू किया गया था, तब से छात्र छात्राओं को भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजधानी पटना में आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बेगूसराय के बीरपुर दौरे के बाद सनसनीखेज आरोप लगाया है। मांझी ने सरकार के एक मंत्री पर हत्याकांड में शामिल होने की आशंका जाहिर करते हुए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग कही। उन्होंने कहा कि दोहरे हत्याकांड में सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने आज बेगूसराय के हत्याकांड मामले में क्या कुछ कहा, देखिए। और उनकी दबंगता से अगल बगल के लोगों से पता चला कि इतने दबंग लोग हैं कि जो विकास के काम की बात बोलते हैं या कहीं अन्याय किसी को किसी को नहीं ये बात उसकी बात बोलते हैं तो उसको इसी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। आज से साल भर पहले एक ज्यादा परिवार थे, उनको भी इसी तरह से उन लोगों ने हत्या कर दिया। तो लोगों का कहना यही है कि पुलिस के कस्टडी में, पुलिस के मेल से वहाँ के दुश्मन नाम बतला रहे हैं नवीन सिंह सहित लोग इसकी हत्या किया है। तो इस चीज की जाँच हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू है, इसका दूसरा पहलू ये है कि वही विक्रम कुमार का एक साथी साथी संतोष शर्मा और उसका उम्र 30 वर्ष का था, तो उसके पास वीडियो है, उसके पास वीडियो है जिसमें स्थानीय सांसद माननीय गिरिराज सिंह का भी उसमें कुछ वक्तव्य है और वो बोल रहा था संतोष शर्मा कि हमारे साथ इस प्रकार की जाति हो रही है कि लगता है कि हमको भी बचने लोग नहीं दे रहे। और उसका उसका क्या संतोष शर्मा का क्या गलती थी कि वो सोशल मीडिया पर उसने धमकी दी थी कि अगर विक्रम कुमार की लाश और उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम लॉकडाउन तोड़ करके भी हम आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे और इस परिस्थिति में हमारी हत्या लोग कर देगा तो हम तुमसे बात कर रहे हैं और इसमें पॉलिटिकल पैरवी हो रही है, सब लोग इसको बड़ा दूसरे रूप में ले रहे हैं जिसमें बाबू गिरिराज सिंह का नाम भी आया है। वो वीडियो हम लोगों के पास है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो भी हम लोग सुनवा सकते हैं। फेसबुक से हुआ प्यार और थाने में हुई साजिश, वाकया कैमूर जिले से सामने आया है। बताया जाता है कि फेसबुकिया प्यार के बाद शारीरिक संबंध बन गया, इसके बाद प्रेमी ने इस मामले में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका थाने पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आखिरकार पुलिस के मदद से प्रेमी प्रेमिका की शादी कराई गई। महिला थाने भभुआ में इस शादी का गवाह बना पुलिस कर्मियों का टीम और आसपास के लोग भी जुटे रहे और थाने परिसर में स्थित एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। फेसबुक से क्या? फेसबुक से ये हुआ कि मतलब कि हम फेसबुक चलाते थे, ठीक है, मतलब फ़ोटो वगैरह कभी पोस्ट नहीं करते हम अपना, तो इनका फ़ोटो आया तो इनके फ़ोटो पे एक बार कॉल चला गया, तो वही इनसे हम बोले कि तो बात करेंगे, तो ये बोले कि हाँ बात करेंगे। वैसे स्टार्ट हो गया, फिर मिलने जुलने लगे। कितना दिन प्यार चला फेसबुक? बहुत दिन चला, फिर 2-3 महीना से बस ये बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। मतलब कितना साल पहले से फेसबुक? अगस्त से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, मिलने जुलने लगे, फिर ये बार बार मेरे पास आने लगे,
और हर कुछ करके फिर बोले कि शादी नहीं करेंगे। इनका प्रेशर कर रहे हैं कि आप जाती थी इनके घर? मैं इनके घर नहीं जाती थी। अच्छा, ठीक ठीक। ये मेरे घर, हमारे घर नहीं, मार्केट में मिलने आते थे। उसके बाद शादी नहीं करने के लिए कह रहे थे थाना का साधन? हाँ, मैं आवेदन लिखवाइए कह रहे थे। इतने दिन से बोले थे कि करेंगे और फिर इसके बाद बोले कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? थाने में शादी हुआ है तो अब कैसा आपको लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। किसको धन्यवाद देंगे, पुलिस को? हाँ ऑफ कोर्स देंगे। किसको? पुलिस को, थाना को। अभी आपका शादी कौन थाना के अंदर हो रहा है? महिला थाना के अंदर। कहाँ? भभुआ में। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कहाँ घर है? मुहारी, रामगढ़ थाने में। पिछला जो अगस्त उसी अगस्त में हुआ। अगस्त आएगा तो साल रहे। उसके बाद? उसके बाद ये खुद हम पे कॉल की थी, बोले थे कि हम आपको चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, हम फोटो देंगे तो बातचीत करेंगे चाहे जो भी। उसकी वजह से बुलाई थी हमको मिलने के लिए, हम रामगढ़ गए थे मिलने के लिए। तो उसके बाद शादी करने की बात कहे थे आप पहले से? शादी के लिए नहीं बोले थे। हाँ, उसके बाद बात के लिए बोले थे, मैंने सिर्फ प्यार करने के लिए बोले थे। अच्छा, शादी हो रहा है तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़िया सर, खुश है ना? खुश है ना? ठीक है, पत्नी को पाकर खुश है ना? खुश है कि फेसबुक से मिली लड़की आज पत्नी हो गई। ठीक है। अच्छा एक बात और हमको बताइए कि अभी आपका शादी कहाँ पे हो रहा है और कहाँ क्या रहने वाले हैं? हमारा घर कोचा थाना में पड़ेगा, रोहतास। रोहतास जिला। भगवा कैसे पहुँचे आप? यही पर आकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते थे? कौन क्लास में पढ़ते थे आप? कहाँ पर? ग्रेजुएशन चल रहा है। अभी आप लोग का शादी कहाँ पे हो रहा है, कौन जगह? बंगला महिला थाना। महिला थाना में। पुलिस क्या बोला आपसे? वही शादी करने के लिए बोले। शादी? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। एक लड़की आरोप लगाई थी लड़के पर कि उसके साथ शादी का झांसा दे करके कुछ गलत संबंध बनाया, फिर दोनों पक्ष राजी हुए और वो लोग आपस में शादी ब्याह के लिए। किस थाने का मामला है सर? ये महिला थाने का मामला है, लड़का लड़की दोनों बालिग और दोनों सहमति से शादी ब्याह करें, कोई बात नहीं।